दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋतुराज सिंह भाई के पूरे YouTube सफर के बारे में कि कैसे एक किसान का लड़का अपने धर्म और देश को महत्व देते हुए आज YouTube में इतना फेमस हो गया है। दोस्तों बहुत यूट्यूबर अपने अपने देसी अंदाज में वीडियो बनाने की वजह से फेमस हैं, वैसे ही ऋतुराज भाई भी अपनी भक्ति में वीडियो बनाने की वजह से फेमस हो रहे हैं। दोस्तों ऋतुराज सिंह भाई का स्टोरी कुछ इस तरह से है। ऋतुराज सिंह भाई का रियल नेम योगी ऋतुराज सिंह है। दोस्तों इनका जन्म 26 मार्च 2002 में उत्तर प्रदेश के मेगापुर गांव में हुआ था। बात करें इनकी शिक्षा की तो इन्होंने बनारसी के तुलसी विद्या निकेतन से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई करी है। दोस्तों अपनी 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने मिर्जापुर से ही करी है। दोस्तों ऋतुराज को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और एक बार जब वो अपने पापा की नोकिया मोबाइल में क्रिकेट खेल रहे थे तब उनका इंटरेस्ट गैजेट्स और टेक्नोलॉजी में आया। दोस्तों जब ऋतुराज भाई 11th में थे तब उन्होंने मोबाइल इतना ज़्यादा यूज किया था जिसके कारण उनको 11वीं कक्षा में एक बार फेल तक होनी पड़ी। तब उनकी फैमिली उनसे बहुत ही नाराज हुई और उनके दोस्त लोग उन्हें चिढ़ाने भी लगे। दोस्तों उसके बाद ऋतुराज भाई को हॉस्टल में डाल दिया गया और उन्होंने 11वीं कक्षा पास कर लिया। जब ऋतुराज भाई 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब उन्होंने यूट्यूब वीडियो देख कर इंस्पायर हो गए और अपना चैनल खोल लिया। हालांकि इनको यूट्यूब के बारे में सिखाने वाला कोई नहीं था, फिर भी इन्होंने यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा और यूट्यूब को ही अपना सब कुछ मान लिया। दोस्तों शुरुआती 5 महीनों में इनके चैनल में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और 5K से ज़्यादा के सब्सक्राइबर हो चुके थे। तभी भी ऋतुराज भाई ने अपनी वीडियो को शेयर नहीं करते थे। दोस्तों एक बार इनके एक दोस्त ने इनकी वीडियो देख ली और ऋतुराज सिंह के भाई को बता दी थी, जिसके कारण इनको अपना चैनल को छोड़ना पड़ा और बहुत ही डांट भी खानी पड़ी। दोस्तों 6 महीने यूट्यूब में काम करने के बाद इनको रहा नहीं गया और इन्होंने एक और चैनल खोला जिसका नाम टेक्निकल YRS रखा। दोस्तों उसके बाद ऋतुराज भाई अपने चैनल में रेगुलर वीडियो डालते रहे और इनके एक चैनल में ग्रोथ हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋतुराज भाई पौराणिक कथा हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना और किताबें पढ़ना बहुत ही पसंद करते थे और यूट्यूब में काम कर ही रहे थे तो ऋतुराज भाई ने 19 नवंबर 2019 को एक और चैनल खोला जिसका नाम उन्होंने ऋतुराज सिंह रखा। दोस्तों इस चैनल में ऋतुराज भाई हिस्ट्री पौराणिक कथा पॉलिटिकल इशू एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते जो कि बहुत लोगों को पसंद भी आती है। इनके ये चैनल में साफ साफ दिखाई देती है कि वो अपने धर्म और देश को कितना महत्व तो देते हैं। दोस्तों ऋतुराज भाई की ये चैनल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। दोस्तों बात करें इनके चैनल में सब्सक्राइबर की तो इतने कम दिनों में 1 लाख से ज़्यादा के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इनके चैनल में 1 लाख से ज़्यादा की एवरेज व्यू पर वीडियो में मिल रही है। दोस्तों ऋतुराज भाई को ये चैनल ग्रो करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा और इनकी ये मेहनत रंग लाई और इनका चैनल आज बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और आज ये घर बैठकर ही YouTube से बहुत सारी अर्निंग के साथ साथ लोगों के दिल में बहुत गहरी जगह भी बना ली है। दोस्तों अंत में मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि एक बंदा जो अपने धर्म और देश की इतना मेहनत करके बचाने के साथ साथ फेमस कर रहा है तो आपको भी अपने देश धर्म को बचाना होगा। अगर आप भी इनके जैसे मेहनत करते हैं तो आपका भी मेहनत रंग लाएगा और आप अपने काम में सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये देश और धर्म भक्ति की बायोग्राफी पसंद आई होगी। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हाँ अगर आप चाहते हैं किसी के भी बायोग्राफी के बारे में जानना तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बायोग्राफी वाली वीडियो रोजाना देखना तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, टाटा बाय बाय।